अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन, मेरा रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर। बर्गर जिन लोगों को खाना पसंद है उन लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा। आज का बर्गर रेसिपी मैंने आलू टिक्की से बनाया है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर एक नया रेसिपी आप मिस ना कर सके। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू टिक्की बनाएंगे, और आलू टिक्की को कोट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिया है, उसको रफली तोड़ के एक मिक्सर जार में डाल रही हूँ और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार है। आप इसे इसी टाइम पर बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्रेड क्रम्स बनाया है, इसलिए इसे हम स्टोर करेंगे। इसे स्टोर करने के लिए आपको इसे ड्राई रोस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम किया है और पैन में मैं सारे ब्रेड क्रम्स को डाल दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करूंगी जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। इसे लगातार चलाते हुए मैंने रोस्ट किया है। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स जो है गोल्डन ब्राउन और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अब आप स्टोर कर सकते हैं। आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। आप इसे बाद में किसी भी स्नैक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे हमें डाल के स्टोर कर लिया है और बाकी का ब्रेड क्रम्स से हम आलू टिक्की बनाएंगे। और उसी सेम पैन में मैंने 2 टेबलस्पून बेसन को ड्राई रोस्ट किया है। ये बेसन को हम आलू टिक्की जब बनाएंगे आलू के मिक्सचर में डालेंगे, ताकि आलू में एक अच्छा बाइंडिंग आ सके। इसे हम रोस्ट करके साइड में रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने आलू टिक्की बनाने के लिए एक उबला हुआ आलू लिया है। आलू का छिलका को हम निकाल लेंगे। ये देखिए, आलू के छिलके को मैंने निकाल लिया है और इसे एक मैसर की मदद से हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मैश कर लिया है। मैश करने के बाद इसमें अब हम कुछ मसाला डालेंगे। मसालों में मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, आप स्वाद अनुसार नमक डालें। फिर मैं यहाँ पे डाली हूँ 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और फिर मैं यहाँ पे डाली हूँ 1/2 प्याज चॉप किया हुआ, थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप किया हुआ और 1 हरी मिर्च। और इसे चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अगर आप लोगों के पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप लोग नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आलू को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस आलू में हम एक अच्छा बाइंडिंग आने के लिए मैं यहाँ पे भुना हुआ 1 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारा आलू का जो मिक्सर है ये बनके तैयार है। इसे हम साइड में रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने दूसरा एक बोल लिया है। बोल में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून नमक। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतला घोल तैयार करेंगे। आप इस बैटर को जो है पतला रखें, नहीं तो आलू टिक्की जब इसमें डीप करेंगे तो आलू टिक्की टूट सकता है, इसलिए इसे आप पतला रखें। इसे हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू मिक्सचर हाथ में लिया है और इसको हमको ऐसा गोल करके एक आलू टिक्की का शेप देंगे। टिक्की के शेप में हम बना लेंगे। ये देखिए, हम बर्गर के लिए टिक्की बना रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही टिक्की बनाया है। ये देखिए, एक आलू से मेरा 2 बड़ा टिक्की और 1 छोटा टिक्की बना है। सारी टिक्की को बनाने के बाद इसे हम अब ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। और अब हम एक बार इस बैटर को मिक्स कर लेंगे। फिर एक आलू टिक्की लेके बैटर में डुबा के फिर ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम से अच्छी तरह से कोट करें। ये देखिए, मैंने टिक्की को दोनों तरफ से अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट किया है। कोट करने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे। आप ये टाइम पे इसे कोट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, इससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं बाद में फ्राई करने के लिए। आपका जब भी मन हो आप इसे बना के खा सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से मैंने सारे टिक्की को कोट कर लिया है ब्रेड क्रम से।
सारे टिक्की जो है हमारा तैयार है। अभी इसे हम फ्राई करेंगे और यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। टिक्की को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और मैंने यहाँ पे एक बार में एक एक आलू टिक्की डाला है, नहीं तो तेल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और आलू टिक्की टूट सकता है। इसलिए आप एक बार में इसे दो ही आलू टिक्की फ्राई करें। इसे हमें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक आलू टिक्की बनने में जो यहाँ पे 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। इसी तरह से सारे आलू टिक्की मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम बर्गर को तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो बर्गर बन लिया है, एक को तो मैंने तैयार कर लिया है और दूसरा को मैं दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे बर्गर को बीच से काट लिया है और उसमें नीचे के हिस्से में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून टमाटो केचप और 1 टेबल स्पून बर्गर सॉस। फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ प्याज के स्लाइस और खीरे के स्लाइस और 1 टमाटर के स्लाइस। फिर उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। फिर आलू की टिक्की के ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, उसके ऊपर से खीरे और टमाटो को 1 स्लाइस रखा है, फिर चीज़ स्लाइस डाला है और ऊपर का बर्गर का जो बन है उसके ऊपर भी मैंने बर्गर सॉस और मेयोनीज डाला है। ये देखिए हमारा बर्गर जो है तैयार है। इसके ऊपर से बर्गर के ऊपर के बन में मैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर को ब्रश कर रही हूँ। इससे जो है बर्गर सूखा नहीं दिखेगा। आप इसे थोड़ा सा बटर में रोस्ट भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे इसी तरह से सर्व किया है। मेरे चैनल पे मटन टिक्की बर्गर भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसे मैंने चिप्स के साथ सर्व किया है। इस बर्गर की रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें।